बजेगी स्टॉक्स। जी हाँ, खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर हैं खबरें, खबरों के चलते होता है वहां पर एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे नितलेश पावस्कर जी, खबर बताएंगे हम, और रणनीति क्या बनानी है ये फैसला करेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं, पहली कंपनी लेकर के आई है और क्या मूव देखने को मिला दो दिन के अंदर शानदार वोडाफोन आइडिया के अंदर। और आपको बता दें खबर यहाँ पर ये है कि बाहरी निवेशकों को लाने की कोशिश जारी है, ये कहा गया है जो कंपनी के चेयरमैन हैं आदित्य बिरला की तरफ से। 27 फरवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है, बोर्ड बैठक के अंदर रकम जुटाने पर विचार होगा, QIP, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इन तमाम विकल्पों को खुला रखा जाएगा कि इनमें से किस विकल्प पर मंजूरी मिलती है पता नहीं है, लेकिन ये तमाम विकल्प खुले रहेंगे कि रकम जुटानी है ये तय है। और इस खबर के चलते हमने देखा कल शेयर में शानदार मूव, आज भी माफ़ कीजिएगा काफ़ी शानदार तेज़ी वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिल रही है। सर अब जानना ये चाहेंगे क्योंकि जब भी किसी शेयर में मोमेंटम बनता है तो लोगों की बाढ़ आ जाती है उस शेयर में एंट्री लेने के लिए और बहुत लोग ऊपरी स्तरों पर ट्रैप हो जाते हैं। अभी क्या लग रहा है आपको, ये जो मोमेंटम बना है ये कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये हम मान के चलें कि ये शेयर भी सुजलॉन की तरह रफ्तार पकड़ेगा जहाँ पर कि हमने देखा 8-9 रुपए से तेज़ी आनी शुरू हुई और फिर वो 45-50 तक गया, या फिर आपको लगता है यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहने की आवश्यकता है, आपकी राय? देखो, कुछ डिस्कशन किया था क्लाइंटों के साथ या फिर कुछ चैनल्स के ऊपर, मैंने 20 रुपीज का एक टारगेट इनिशियल लेवल के ऊपर सजेस्ट किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है, तो 16 रुपए जब तक क्रॉस नहीं करता है नीचे के साइड में, तब तक आपको पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। 16 रुपए से लेके 15.50 रुपए एक इंपॉर्टेंट रेंज है, वो काफी दिनों से ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो। एक बार के लिए 20 रुपए आपको देखना पड़ेगा, 20 रुपए अगर ये निकाल देता है तो अगर हम लोग 2018 से अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा 5 से 6 साल का एक मोमेंटम वाला ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और 20-21 रुपए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल में क्यों कह रहा हूँ कि 2008 में अगर हम लोग देखेंगे तो एक वही एक आसपास 20 रुपए 50 पैसे का एक लो लगाया था, और वो लो अभी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वो निकाल देता है तो एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। सेम चार्ट अगर आप वीकली मंथली चार्ट के ऊपर PNB के चार्ट को देखेंगे, तब वो 60-58 रुपीज ये लेवल्स के ऊपर वो पहले वाला जो ब्रेकडाउन वाला एरिया था, और वो जैसे ही निकाल दिया तो वो जो टारगेट है 120 रुपीज के, जो मैं बार बार कहता था 90 रुपीज के ऊपर 120, वो लेवल्स कैसे देखने को मिले, तो वैसे ही चार्ट स्ट्रक्चर है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई भी स्टॉक नहीं। जी, तो टारगेट क्या बताएं सर, एक बार टारगेट बताइए, बहुत दर्शक कह रहे हैं कि इसका लक्ष्य क्या निकल के आएगा और क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? देखो, अगर फ्रेश एंट्री कर सकते हो तो 15.50 रुपए से लेके 16 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और पहला जो टारगेट होगा वो 20 रुपए से लेके 20.50 रुपए, वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी का क्वांटिटी होल्ड कर दीजिए बड़े टारगेट के लिए। कम से कम यहाँ से और मोमेंटम अगर ये पिकअप कर देता है 20.50 रुपए के ऊपर, तो 25 रुपए से लेके 26 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। फ्यूचर्स में नहीं लेना है, कैश में ही लेना। 25-26 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर हो सकते हैं, 20 का लेवल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस जो बताया गया उसका ध्यान रखिए, उस हिसाब से आप रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और बात कर लेते हैं रेलवे शेयरों की और IRCTC, खासतौर से IRCTC पे खबर ये है, कंपनी ने स्विगी के साथ जो है करार किया है और ये करार ये किया गया है कि अगर आप प्री ऑर्डर जो है करते हैं खाने का ई कैटरिंग पोर्टल से, तो खाने की सप्लाई जो है वो स्विगी के माध्यम से हो जाएगी। पहले चरण में जो है इसे भुवनेश्वर, बंगलुरु, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम में इस सेवा को लॉन्च किया जाएगा और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में करीब 2% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में। और अभी अगर हम देखें तो जो स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो भाव देखने को मिल रहा है करीब 3% की तेज़ी, 963 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, रेलवे शेयरों में जिस तरह की रैली देखने को मिली थी वैसी रैली IRCTC में नहीं मिली, बहुत लोग थोड़े से इस बात से नाराज़ भी थे कि IRCTC नहीं चल रहा है, क्या अब IRCTC का भी नंबर आएगा, क्या लग रहा है चार्ट्स को देख के? देखिए, मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये आपके लिए एग्जिट का मौका हो सकता है, लेकिन अगर आपको फिर होल्ड ही करना है इस स्टॉक को, तो एक स्टॉप लॉस में जरूर सजेस्ट करूंगा 940 से लेके 935। 935 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो जो बड़ा वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला कैंडल जो बना है 1050 से लेके 940, 930 इसी रेंज में बना है, तो जब तक ये लेवल के ऊपर
स्टॉक होल्ड कर रखा है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो, लेकिन लोअर लेवल वाला बाइंग अगर होगा 680 700 का, तो एक बार के लिए यहाँ पे भी मुनाफा बांध लेना चाहिए। जी, इस बीच पुनीत पटेल जी कह रहे हैं, सर IFCI का के ऊपर इनका प्रश्न है, कह रहे हैं सर कितनी बार आपके पोस्ट कितनी बार पोस्ट किया सवाल लेकिन फिर भी नहीं लिया। सर बजिंग स्टॉक्स के बाद आपका सवाल डिस्कस कर लेंगे, आप नाराज़ मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर निकल कर के आई है। और ये भी खबर जो है एक रेलवे शेयरों पर ही है, तो RVNL के ऊपर। RVNL ने आपको बता दें कि सलासार के साथ कंपनी की जो JV है उसको जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 174 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। और आपको बता दें कि इस JV में RVNL की हिस्सेदारी 51% है, सलासार की हिस्सेदारी 49% है। और ये जो नया ऑर्डर मिला है वो उस कंपनी को 18 महीने के अंदर पूरा करना है। और इसी के चलते आज हम RVNL के अंदर भी आज एक मोमेंटम बनता हुआ देख रहे थे, जबकि हाल फिलहाल में हमने देखा रेलवे शेयरों की थोड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दी है। 0.25% ऊपर कंपनी का शेयर ट्रेड करता हुआ 265 266 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। सर RVNL पे क्या राय रहेगी? सर एक और रेलवे शेयर जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन अभी थोड़ा पिछले एक महीने के अंदर अगर हम देखें 7-8% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन शानदार मूव देखने को मिला है RVNL में, अभी क्या करना चाहिए? देखो अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक को एक हायर लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और अभी जो रिट्रेसमेंट आ रहा है फॉल का 50% के आसपास है, और गैप एरिया भी था 270 से 280 से लेके 285 इस रेंज में, तो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें मूव आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो जिनका भी क्वांटिटी है वो थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए और 240 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर ये स्टॉक 285 के ऊपर निकलता है तो ही इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो फिर स्टॉक 320 से लेके 330 ये लेवल तक चल सकता है। ये राय निकल कर के आती हुई अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन। ओलेक्ट्रा ग्रीन में हालांकि दबाव है लेकिन खबर अच्छी है। खबर आपको बता दें कि जो मुंबई में बस सेवा चलती है बेस्ट की मुंबई की, तो वहाँ से इनको एक नया ऑर्डर मिला है, 2400 इलेक्ट्रिक बस की सप्लाई के लिए मिला है। और ना सिर्फ सप्लाई करनी होगी बल्कि उनके रखरखाव का भी काम इनको ही देखना होगा। ये टोटल ऑर्डर जो है करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास का है। हालांकि इस खबर के आने के बावजूद हम देख रहे थे शेयर में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट ओलेक्ट्रा ग्रीन के में शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी, और अभी भी अगर हम देखें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का शेयर करीब 0.25% नीचे कामकाज कर रहा है। सर पॉजिटिव खबर के बावजूद शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है, हालांकि इसमें भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी रैली रही है। एक महीने में करीब 28-29% ये शेयर चला है, पिछले 6 महीनों में 70% से ज़्यादा की रैली रही है, अभी क्या करना चाहिए सर? देखो यहाँ पे मैं 2000 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूंगा, क्योंकि एक राउंड नंबर है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी वहां पे कंफर्मेशन हो जाएगा। साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे 19 फरवरी को जहाँ पे एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल देखने को मिला था, जहाँ पे बुल्स एक्टिविटी देखने को मिली, तो उस लेवल के नीचे भी ये स्टॉक फिर से सस्टेन करना चालू कर देगा। 2000 जब तक इंटैक्ट है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो, लेकिन 2000 के नीचे इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है 1700 से लेके 1650 ये लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर है और खबर के चक्का क्या असर देखने को मिल रहा है। और सेलेजर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें खबर तो नहीं है पर ये टेक्निकल चार्ट्स पर जो है शेयर के अंदर एक मजबूती देखने को मिल रही है और ये ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन रही है। करीब 5 दिन के अंदर 18%, एक महीने में 51% ये शेयर चल चुका है। और यहाँ पर अभी भी एक अच्छा मूव इंट्राडे में भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा था। सर अगर इसको आप ट्रैक करते हो सेलेजर इलेक्ट्रॉनिक्स 6.5% ऊपर है और आज जो है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव रहा है। एक महीने के अंदर करीब 53-54% की रैली यहां पर देखने को मिली है, पूरे साल भर में 150% का रिटर्न। ये आपके रडार पे कैसा लग रहा है चार्ट्स में सर आपको? देखो चार्ट्स को देखिए तो एक मोमेंटम में चल रहा है, लेकिन चार्ट्स को देखिए इतना फील नहीं आ रहा, क्योंकि चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो रेड कैंडल्स काफी है, हायर लेवल के ऊपर जाता है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस स्टॉक को मैं अवॉइड करना चाहूंगा, कमेंट भी करना अवॉइड करना। जी चलिए एक और एक जरा नतीजों को डिस्कस कर लेते हैं और वो है जना फाइनेंशियल बैंक, हाल की लिस्टिंग IPO की। और यहाँ पर अगर हम देखें तो नतीजे आए हैं, कंपनी का मुनाफा 13.5% बढ़कर के 135 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय में भी हमने देखा कि बढ़त देखने को मिली, करीब 20% बढ़ी है और ये 1178 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी के जो NPA है उसमें गिरावट देखने को मिली है और ये 5.8% से घट करके 2.1% रहा है। कंपनी की जो AUM है उसमें हमने देखा करीब 28.5% की बढ़ोतरी रही है और ये बढ़ करके 23,610
करोड़ रुपए रहा है। तो शानदार नतीजे रहे हैं और उसके चलते जो है कंपनी के शेयर में आधे फीसद के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और जना फाइनेंस पे बहुत सारे दर्शकों की भी सवाल हमने आते हुए देखे थे, तो एक हालांकि बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है इसके सर माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप, अब करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। जी वही चार्ट, अवधि चार्ट को मैंने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 450 से लेके 455 इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर दीजिए। हाई लेवल अगर निकालता है 470 के ऊपर तो एक मोमेंटम फिर से स्टॉक में देखने को मिल सकता है, 500 प्लस के टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। लेकिन 450 440 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके नीचे बाजार में वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। जी चलिए, तो फिलहाल ये राय निकल कर के आती हुई और फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।